मेरे चीक बोन्स निकलने लगे हैं आजकल कि मैं ब्रॉन्जर लगाती हूँ तो मैं एक लाश लगने लगती हूँ. आई लुक लाइक कैप्टन कर्नल समबडी इज जस्ट लाइक सो सस्पिशियस. दिस प्रोसेस इज हैज बीन लर्नड बाय मी बिकॉज आई लैक अप द अमाउंट ऑफ मेकअप ब्रशेस दैट आई शुड ओन. हाय देयर, दिस इज अस्वद यूसुफ एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइज माई ब्रॉन्ज समरी लुक. I'm going to start with moisturizer. This is La Roche. This is a very good moisturizer for me because it doesn't give me any oil on my skin and acne as well. It protects my skin from clogged pores. I've recently started using this. I think it's been a month and this is the only moisturizer that works for me. And then we'll move on to the SPF. I'm not comfortable with the amount of SPF I have to use, but I have to use it. छोटा फेस होने की वजह से मुझे सनस्क्रीन गर्दन पे भी ले जानी पड़ती है, कानों पे भी ले जानी पड़ती है. पहली बात तो फाउंडेशन इतना ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए मेरे लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ लाइन्स आ जाती हैं, यहाँ पे लाइन्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से आई फील वेरी वियर्ड. तो थोड़ा सा मैक का स्टूडियो फिक्स एंड देन मेबलिन का सुपर बीबी क्रीम दो थोड़े, क्योंकि मुझे अपने शेड्स भी नहीं पता प्रॉपर्टी. तो दिस इज 3.5 एंड आई डोंट नो दिस शेड एंड आई एम जस्ट गोना मिक्स दीज टू टुगेदर लाइक दिस. और ये मैं अंडर आईज पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अंडर आईज के नीचे इफ आई पुट ऑन फाउंडेशन और जब मैं कंसीलर लगाऊंगी तो वो लेयर पे लेयर क्रिएट होती जाती है और उसकी वजह से अंडर आईज़ के नीचे बहुत ज़्यादा लाइन्स और क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. सो टू अवॉइड दैट आई अवॉइड पुटिंग फाउंडेशन अंडर माय आईज. आई लर्न दिस फ्रॉम माय मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स. थोड़ा बहुत वट एवर इज लेफ्ट ऑन द स्पंज आई टेक इट डाउन टू माय लेग सो दैट इट डजंट लुक लाइक देयर इज जस्ट मेकअप ऑन माय फेस. और मैं इतना ज़्यादा बेस यूज़ नहीं करती कि वो ऐसे लगे कि वो मेरी स्किन है ही नहीं. यू विल ऑलवेज बी एबल टू सी माय एक्ने और स्लाइट जो भी थोड़े बहुत मेरे फेस पे स्कार्स होंगे एक्ने के. आई डोंट कवर देम अप क्योंकि वो नेचुरल और ज़्यादा अच्छा लगता है. जो पिंक आपके फेस का जो नज़र आता है मेकअप के थ्रू वो ज़्यादा अच्छा लगता है. पहले व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग एक्ने, सबसे ज़्यादा वर्स्ट जब मुझे एक्ने हुई थी वो व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर जाने जहाँ, क्योंकि गर्मी बहुत थी एंड आई वॉज पुटिंग ऑन मेकअप और मेकअप के ऊपर जब आप पफ करते हो तो वो और ज़्यादा, यू आर लाइक टॉर्चरिंग योर स्किन इन द स्वेट. सो आई गॉट एक्ने ओवर हियर एंड आई गॉट सुपर इनसिक्योर अबाउट इट एंड आई वॉज लाइक ट्राइंग टू कवर इट अप विद मेकअप. बट देन आई हैव दिस डर्मेटोलॉजिस्ट, हर नेम इज़ डॉक्टर मलिया जावेद एंड शी टॉट मी दैट इट्स ओके टू हैव एक्ने एंड दैट इट्स नॉट एज बैड एज वी थिंक दैट इट इज़. और दूसरों के लिए इट्स द स्मॉल डॉट एंड वी आर थिंकिंग ओ माय गॉड मेरी शक्ल पे क्या निकल आया दाना. बट इट्स फाइन अगर आप अपनी स्किन में खुद कंफर्टेबल हैं. नोबडी कैन मेक यू फील अंडर कॉन्फिडेंट और इनसिक्योर. स्किन केयर टोटका टॉट बाय माय नानो एंड आई लिव बाय इट इवन दो सम पीपल से इट डज नॉट वर्क. बट इफ़ यू पुट a little bit of milk aur thoda sa besan aur uske andar thoda sa cinnamon powder and put it on your face, your skin will glow and nobody can convince me it doesn't work. It works, okay, because it worked for me and also it's not harmful because it's all natural stuff, so what's the worst that can happen. Try karke dekh le agar nahi kaam karta to phir baat mein. Sorry. I'm going to put Fit Me ka Maybelline Fit Me ka powder under my eyes. Just a little bit right under my eye to set it because I have eyes that are very lifted, to jab main niche dekhti hu foreign lines create hona shuru ho jati. So I have to look up when I have concealer under my eyes and then I set the powder. This looks like a lot but I will remove it after some time. We will move on to our eyeshadow. So I have this palette, Maybelline's The Nudes. I have all these shades with me. I'm going to choose this one. This is just going to go on my eye. Okay, ek base create ho jayegi, ek plain, I'll get a board to work on.
this process has been learned by me because I lack up the amount of makeup brushes that I should own. My sister has a whole bag जिसके अंदर मेकअप के इतने ब्रशेज हैं कि आप ढूंढने भी बैठ जाएंगे तो आपको जो ब्रश चाहिए वो नहीं मिलेगा. उसके अलावा सारे शेप्स मौजूद हैं. बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप अपनी उंगली से ही आई शेडो लगाएं. नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्राउन. आई एम गोइंग टू मिक्स दीज टू ब्राउन्स टुगेदर. नाउ आई नीड अ मिरर फॉर दिस. और इसको मैं यहाँ पे टैप करूँगी, द आउटर कॉर्नर्स ऑफ माई आई. Also, if you do it with your hands, I feel like आपके पास बेहतर कंट्रोल होता है with the eyeshadow. So, we are going to make this darker again with my hand. अभी हम blend करते जाएंगे until I am not satisfied. क्योंकि eyeliner मैं लगा नहीं सकती तो मैं इसी को इस तरीके से blend करती हूँ अपनी eye को lift करने के लिए. It gives the look के मैंने eyeliner ही लगाया है. Okay, I'm gonna blend this powder under my eyes. और फिर I'll take this shimmery gold look eyeshadow from the same palette. और इसको मैं mix करती हूँ highlighter के साथ, which is in my blush palette. This is the highlighter. दूसरा वाला टूट चुका है. Don't ask how. But it just broke. ये दोनों mix करके inner corner of my eye. थोड़ा सा मैं concealer लूँगी. Maybelline Fit Me. It's medium 25 shade. उसको मैं sponge पे लगाऊँगी, not on my face, क्योंकि अब वो set हो चुका है. तो I don't want it to get patchy. और उसको मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे ऐसे blend कर लूँगी. एक line, straight line हो जाएगी. Again, just because I want के lifted लगे मेरी आँखें, इस वजह से मैं ये करती हूँ. अब I'm gonna curl my lashes. ये काम बड़ा ख़तरनाक है. मुझे हमेशा लगता है किसी दिन मैं अपने eye lashes curl कर रही होंगी और मेरी eye lashes साथ उतर आएंगी. मेरे पास दो mascaras हैं. मैं MAC का यूज़ करी थी, extended play Giga Lash, but I'm almost out of Giga Lash. So I'm trying this new one, Beauty Moment. I don't know. I think Giga Lash ही मेरे साथ अच्छा करता था. ये थोड़ा मुझे इसने didn't do much for me. हम वापस Giga Lash use करेंगे क्योंकि मेरे साथ धोखा हो गया है. I look like Captain Colonel or somebody who's just like so suspicious. अब हम Giga Lash को और ज़ोर से लगाएंगे. और मैं ये फिर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हाउ कवर्ड माई अंडर आइज. और फिर वापस फौरन जल्दी जल्दी हटा लें इसको, इससे पहले ये चिपक जाए. जो भी रेजिड्यू पाउडर रह गया ब्रश पे वो पूरे फेस पे ब्लेंड करूँगी. मैं ब्रॉन्जर नहीं लगा रही क्योंकि मेरे फेस इतना ज़्यादा मेरे चीक बोन्स निकलने लगे हैं आजकल कि मैं ब्रॉन्जर लगाती हूँ तो मैं एक लाश लगने लगती हूँ. तो मैं सिर्फ ब्लश के लिए ऑप्ट करूँगी. और मैं ये है नार्स की पैलेट है ब्लश की. आई मिक्स दीज थ्री ब्लशेस. और ब्लश मिक्स करके लगाने में जो कलर आता है ना वो एक सिंगुलर ब्लश यूज़ करने से नहीं आता. और इसको मैं यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ पे अगेन क्योंकि मेरे फेस का शेप ऐसा है. और इवन अगर आपके फेस का शेप ना भी हो इतना ज़्यादा लिफ्टेड, बट अगर आप वैसे भी ब्लश लगाएंगे यहाँ पे तो योर फेस विल लुक नाइसर. थोड़ा फ्लश लुक आता है, थोड़ा अच्छा लुक आता है इंस्टेड ऑफ हियर, क्योंकि आपकी डायरेक्ट आंखों के नीचे ब्लश होगा तो पूरा आपका फेस गोल यहाँ पे हो जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटवर्ड. मैं ब्राउ बोन तक भी ले जाती हूँ ब्लश, मुझे इसमें कोई मस्ता नहीं लगता. I've blended the blush out दोनों साइड से. अब नाक पे लगाने की ना एक ट्रिक है क्योंकि मेरी जो नाक है वो बड़ी छोटी है और वो ना कभी कभी आई लुक लाइक ड्वाइट श्रूट समटाइम्स. तो मैं थोड़ा सा अपनी नाक को ड्राई करती हूँ ताकि वो ब्लश का पैच ना लग जाए. और फिर आई पुट इट लाइक दिस. अगर ब्लश ज़्यादा हो जाए तो यू टेक अ
स्पंज जिसके ऊपर कंसीलर लगा हुआ है ऑब्वियसली पहले से, और इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड कर दें और इससे ब्लश कम हो जाती है। ओ ऑल्सो मैं अपने आईब्रोज नहीं बनाती क्योंकि पहले ही बहुत कुछ आईब्रोज हो चुके हैं और सब मेरे आईब्रोज से बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं फॉर सम रीज़न, तो मैं आईब्रोज नहीं बनाती, आई जस्ट टेक गीगल एश और मैं गीगल एश को ही आईब्रोज से ऐसे लिफ्ट करती हूँ। अच्छा अभी हाइलाइटर लगाएंगे सिर्फ मेन पॉइंट्स फेस के, ज़्यादा एक्सट्रीम हाइलाइटर नहीं बिकॉज इट्स समर एंड माई फेस इज़ गोइंग टू शाइन अ लॉट, जस्ट ऑन द टिप ऑफ माई नोज एंड माई ब्राउ बोन। लिप कलर मैं ये वाला पहले मैं लिपस्टिक यूज़ नहीं करती थी बिकॉज आई थॉट इट लुक्स बैड ऑन मी, बट इट एक्चुअली डजंट लुक सो बैड ऑन मी। दिस इज़ पिंक फॉर मी बाय मेबेलिन, आई थिंक यस इट्स मेबेलिन। इसको हम सिर्फ डैब डैब करेंगे, लगाएंगे नहीं डैब करेंगे लाइक दिस। फिर मेबेलिन की है फूशिया फॉर मी और इसको अंदर लगाएंगे हम, इसको भी हम डैब करेंगे एंड देन लिप ग्लॉस बिकॉज हु डजंट लाइक लिप ग्लॉस। ओके वी आर डन, लास्ट स्टेप है ये सेटिंग स्प्रे। सिर्फ मैं गर्मियों में सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सब उतर जाएगा थोड़ी देर में, तो वेरी जेनरस विद माय सेटिंग स्प्रे, दिस वाज एल्फ बाय द वे। और फिर एंड में आई लाइक टू पुट ऑन माय फेवरेट परफ्यूम एंड आई एम दिस इज माय वे फ्रॉम जॉर्जियो अरमानी एंड देन हम रेडी है जाने के लिए। Okay, so this was my bronze summery look. I hope you guys liked it. I think it looks pretty nice. Let me know in the comments below. This was Aswith Yusuf. Thank you so much for watching. Bye.